यूपी के शामली में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई एसओजी की टीम के साथ ग्रामीणों ने मारपीट करके हिस्ट्री शीटर को छुड़ा लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके 3 लोगों को हिरासत में लिया है। लाठी डंडे के बीच घिरे ये लोग यूपी पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं। लोग जवानों के कपड़े खींच रहे हैं, महिलाएं भी जवानों को खींच रही हैं। मौके पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। कुछ लोग डंडे से पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जवान एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि वो भीड़ के चंगुल से निकल नहीं पाते हैं। तस्वीर यूपी के शामली के झिंझाना थाना इलाके की है, जहां एसओजी की टीम हिस्ट्री शीटर बदमाश चतर सेन को गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ने के बाद उसे थाने ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी के साथी और ग्रामीणों और महिलाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया और एसओजी टीम को ही बंधक बना लिया। हमलावरों ने न सिर्फ पुलिस के साथ मारपीट की, बल्कि आरोपी चतर सेन को छुड़ाने में भी कामयाब रहे। कल थाना झिंझाना में एक गांव है डेरा भगीरथपुर, यहां पे एसओजी की टीम एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए गई थी, तो उनके साथ गांव के लोगों के द्वारा कार्य में बाधा डाला गया तथा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसके बाद जनपद शामली के थाना झिंझाना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 3 व्यक्तियों को सीसीटीवी फुटेज तथा वीडियो फुटेज के आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, विवेचना प्रचलित है। एसओजी की टीम पर हुए हमले के बाद फौरन पुलिस एक्शन में आई। मामले में केस दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, साथ ही कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।